मम्मी स्कूल से आ गई हैं, उनकी तबीयत अब ठीक हो गई है कल से, तो अब सही है उनकी तबीयत, तो अब वो आ गए हैं। मम्मी के पास चलते हैं। मम्मी हमने खाना खा चुके हैं। मम्मा अब ठीक है तबीयत ना? हाँ बेटर, पहले से बहुत समय के साथ पहले से बहुत आराम है। कल इन लोगों ने मेरी सेवा करी, मुझे कल काम नहीं करने दिया, फिर भी किया मम्मी ने, फिर भी मम्मी ने किया हमारी बात ना मानकर। नहीं थोड़ा बहुत तो करना था ना, जो काम तुम लोगों को नहीं आता वो तो मैं ही करूंगी। नो 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 ना। ओके, आज स्कूल भी गई थी, ठीक है आप पहले से तबीयत और ठीक है। लो तन्मय, और एक चीज और दिखानी है मुझे आपको, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हमने कल माता की ड्रेस ली थी ना, आज हमने उनको पहना दी, आप देखो। देखो माता ने पहन लिया है जो हम कल ड्रेस लाए थे, देखो कितनी अच्छी लग रही है। और खेतरी माता ने भी दर्शन दे दिए, देखो खेतरी माता भी आ गए, हम ये वाली माता भी आ गई, देखो खेतरी माता भी। अच्छी लग रही है ना ड्रेस, देखो अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट में लिखना प्लीज कि बड़ी अच्छी ड्रेस है। वाह, मम्मी की तबीयत सही होने का इलाज है अनुपमा। ये देखो जरा इधर देखना, देखो स्माइल, देखो स्माइल, अनुपमा जैसी आई। ओहो सही है मम्मी, रोज अनुपमा देखो, दवाई के लिए फिर पैसे खर्च ही नहीं करने हमें, बस सीधे जाओ इस पे अनुपमा लगाओ और मम्मी खुश। मम्मी दो दो टाइम का दो दो अलग अलग खाना बनाते हो, अलग अलग डिशेज बनाते हो, एक वर्थ की अलग और बिना वर्थ की अलग, तो हमने सोचा मम्मी का वो जरा थोड़ा सा हल्का कर दे हम। एक दिन का आराम और आज देख लो डबल काम। तो हमारी जो बन रही है घंटन बन गई है, कुट्टू की पकौड़ी। और क्या बनाया मम्मी? तारी बनाई है सुहाग के चावल। ओहो और क्या बनाया? सूखे आलू है। बस यही तो चाहिए। नहीं है, चलिए लगाइए दस्तरखान, भोजन लगाइए। फिर आ गई मैं आपके सामने, बच्चों की जिद कह लो या बच्चों का प्यार कह लो, इन लोगों ने कहा नहीं करेंगे, मिलकर करेंगे, हार नहीं मानेंगे, एटलीस्ट 100 ब्लॉग तो करेंगे ही करेंगे। चलिए कर रही हूँ। तबीयत थोड़े दिन से, एक दो दिन से बहुत ज़्यादा डाउन थी, जिस दिन तो दो दिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा डाउन थी, बट नाउ आई एम ओके, एकदम 100% फिट भी नहीं हूँ बट हाँ पहले से बेटर है। और बच्चों से काम करवाना था, मैंने बस सब लोगों को काम पे लगा दिया और तबीयत ठीक हो गई। और आज का आपने ब्लॉग देखा, लगभग दो दिन से बच्चे ही कर रहे हैं ब्लॉगिंग वगैरह सब, मैं कर नहीं पा रही प्रॉपरली, कल से ट्राई करूँगी प्रॉपरली करने की। और कल अंश का उसके कॉलेज में कुछ फर्स्ट है, कुछ प्रोग्राम टाइप में है, फेस्ट है कोई फेस्ट।
तो इतना एक्साइटेड था जब ये कॉलेज से आया, पसीने में तर, और ये बता वो बता, ऐसे कर वैसे कर, और फिर इसके कपड़ों का अरेंज करना, क्योंकि कल कल क्या है वो तो अब कल यही बताएंगे भाई साहब, यही आएंगे वहाँ से कुछ व्लॉगिंग करके। मैंने इनसे कहा है कि सबके लिए कुछ बना कर लाना, दिखाना भी तुमने क्या किया है, क्या हुआ है तुम्हारे कॉलेज में। जैसे कॉलेज लाइफ में फर्स्ट टाइम अभी ये लोग कॉलेज गए हैं, तो वहाँ की एक्टिविटीज़ भी हैं कुछ ऐसी, तो सुपर एक्साइटेड में है बच्चा मेरा, सुपर एक्साइटेड। कल मजे करने हैं तो अभी पढ़ लो। हाँ अभी हो रही है इसकी पढ़ाई, क्योंकि इसके एग्जाम्स की डेट आ गई है 6 तारीख से, 6 अक्टूबर से इसके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट अंश, बट उस एग्जाम से पहले स्कूल में हो रही है, कॉलेज में हो रही है कुछ मौज मस्ती, जो अभी आपको कल बताएंगे भाई साहब। ड्रेसअप होकर जाएंगे या संग ले जाएंगे, भगवान जाने क्या करेंगे, तो जो भी होगा कल दिखाएंगे आपको, कल दिखा देंगे ना हम आपको। चलिए ध्यान रखिएगा सब आप लोग अपना भी, और व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बच्चे इस कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा इसमें लगे हुए हैं, जो भी है स्पेशली तन में, वो अपने एग्जाम्स की भी दिक्कत छोड़ के वो मेरे ही पीछे बेचारा पड़ा रहा। जब भी मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन होती है, ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे मेरे, और बस इनका मेन एम होता है कि मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। चलिए ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी, बाय।